इस गाने में सौंदर्य की मलिका मधुबाला थी और साथी थे अभिनय के शहंशाह दिलीप कुमार। लेकिन इन दोनों की मौजूदगी के बावजूद एक और अदाकारा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस अदाकारा ने इस गाने में जो अदायगी की, लोग उसके कायल हो गए थे और आज भी उसके दीवानों की संख्या कम नहीं है। आपको 1949 में आई फिल्म पतंगा का यह गाना भी शायद याद होगा। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। शमशाद बेगम के इस गाने को इसी खूबसूरत अदाकारा पर फिल्माया गया था। इस अदाकारा पर फिल्म मुगले आजम का एक और मशहूर गाना फिल्माया गया था। निगार वही अदाकारा हैं जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में बहार का किरदार निभाया था। एक असली अदाकार की पहचान यही होती है कि वह हर तरह की अदायगी में अपने हुनर दिखाए। निगार सुल्ताना का नाम भी ऐसे ही अदाकारों में गिना जाता है। इस वीडियो में उसी अदाकारा की बात करने जा रही हूँ जो पर्दे पर ही नहीं अपनी असली जिंदगी में भी बहुत ही बेखौफ और बिंदास थी, और इस कारण उसने मोहब्बत भी शिद्दत से की और नफरत भी। और जब पति ने मनमानी की तो पति को भी अदालत में घसीट लाई। तो आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। दोस्तों, निगार सुल्ताना ने कम उम्र में ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जब तक इनके पिता जीवित थे तब तक इन्होंने कभी भी अदाकारी के बारे में सोचा भी नहीं। हालांकि स्कूल में छोटे मोटे प्ले में जरूर भाग ले लिया करती थी, लेकिन अभिनय को अपना प्रोफेशन बनाने का उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था। निगार सुल्ताना का जन्म 21 जून 1932 में हुआ था। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली निगार सुल्ताना के पिता एक फौजी थे, इसलिए उनकी परवरिश भी ऐसे माहौल में हुई जहां पर बच्चों को सिर्फ निडरता सिखाई जाती थी। निगार सुल्ताना भी इसी माहौल में पली बड़ी थी, जिसके कारण वो बहुत ही बेखौफ और बिंदास थी। लेकिन बिंदास और बेखौफ होने के साथ साथ वो बहुत ही सलीकेदार भी थी। निगार उस समय बहुत छोटी थी जब अपने दौर के मशहूर कलाकार जगदीश सेठी उनके पिता से मिलने आया करते थे। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन अचानक निगार के पिता चल बसे। अब घर में सबसे बड़ी निगार के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। जगदीश सेठी ने निगार को परिवार का जिम्मा उठाने की सलाह दी। निगार का एक भाई था जो उनके लिए सलाहकार और बहुत अच्छा दोस्त था। भाई बहन ने काफी सलाह मशविरा करने के बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया। 1946 में आई फिल्म रंगभूमि से निगार का महज 14 वर्ष की उम्र में फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद उनके पांव सिनेमा में जमते चले गए। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में निगार नरगिस और कामिनी कौशल के साथ तीसरी अभिनेत्री थी। निगार ने आग के अलावा पतंगा, शीश महल, मिर्जा गालिब, यहूदी और दो कलियां जैसी फिल्मों में काम किया। अब निगार का फिल्मी सफर बुलंदियों पर था। इसी दौरान उन्होंने मशहूर निर्देशक SM यूसुफ से शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम हीना कौसर है, जो आगे चलकर अपने दौर की नामी अभिनेत्री बनी। यूसुफ और निगार की शादी को भी चंद साल ही गुजरे थे कि मशहूर निर्देशक के आसिफ ने निगार को अपनी फिल्म मुगले आजम में बहार का किरदार दे दिया। इस किरदार को पाकर निगार काफी खुश थी, लेकिन यूसुफ इससे कतई भी खुश नजर नहीं आए। वह इसलिए क्योंकि वह के आसिफ के रंगीन मिजाज को भली भांति जानते थे। यूसुफ निगार से फिल्म न करने के लिए कहते, पर निगार उनकी एक न मानती। इसे लेकर दोनों मियां बीवी में अक्सर तनातनी रहती थी। निगार जानती थी कि बहार का किरदार उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, लिहाजा उन्होंने इस किरदार को हर कीमत पर करने की ठान ली। इस बात को लेकर यूसुफ के साथ तलाक हो गया, लेकिन उनका तलाक भी उन्हें इस किरदार को करने से नहीं रोक सका। अब फिल्म मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई। निगार का काफी समय सेट पर गुजरा करता था। इस दौरान
वह के आसिफ के काम के प्रति जुनून पर मर मिटने लगी थी। वह आसिफ के इर्द गिर्द मंडराती रहती। वहीं आसिफ भी निगार की खूबसूरती और अदा पर फिदा हो चुके थे। दोनों तरफ मोहब्बत की आग ऐसी लगी थी कि फिल्म की शूटिंग खत्म भी नहीं हुई थी और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि निगार से शादी करते वक्त वह पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम सितारा था, जो मशहूर डांसर थी, जिन्हें हम सितारा देवी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने फिल्म मुगले आजम बनाने के पति के सपने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निगार से शादी करने के लिए के आसिफ ने न तो सितारा से पूछा और न ही तलाक लिया था। शुरू से ही आसिफ अपने तौर तरीकों में यकीन रखते थे, पर वह नहीं जानते थे कि उनकी ये हरकतें एक दिन उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाएगी। जिस तरह सितारा को बताए बगैर उन्होंने निगार से शादी कर ली थी, उसी तरह उन्होंने निगार सुल्ताना को बताए बगैर दिलीप कुमार की बहन अख्तर से भी निकाह कर लिया। लेकिन निगार सितारा की तरह नहीं थी जो ऐसा होता देख चुप बैठ जाए। निगार शुरू से ही बेखौफ किस्म की शख्सियत रही। अख्तर से शादी का मामला जब तूल पकड़ने लगा तो आसिफ ने निगार को तलाक दे दिया, लेकिन निगार अब भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने अदालत में इस बिना पर आसिफ के खिलाफ केस दर्ज करवाया कि आसिफ गुनेगार हैं। निगार ने दलील दी कि सितारा के रहते मुझसे शादी कर ली और मेरे रहते अख्तर से। दोनों बार उन्होंने किसी से भी रजामंदी हासिल नहीं की, जो गैर कानूनी है और शरिया के खिलाफ है। काफी समय तक यह मामला अदालत में चलता रहा। इतना ही नहीं, जब आसिफ का निधन हुआ तब निगार को संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने और अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए कई अदालती मुकदमे दायर किए। कानूनी पचड़ों के बीच वह 70 के दशक तक फिल्मों में काम भी करती रही और फिर बाद में उन्होंने एक फर्नीचर की दुकान खोल ली थी। आसिफ और निगार को दो बच्चे थे और पहले पति से निगार को बेटी हीना हुई थी, जो उन्हीं के साथ रहती थी। तीनों बच्चों की परवरिश के लिए निगार को काफी संघर्ष करना पड़ा था। उनका निधन मुंबई में मई 2000 में हो गया। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। निगार सुल्ताना के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegend.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।